नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। एसआई के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से निकाली गई है। टोटल जो पद हैं 221 है, जिसमें कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की 65 पद हैं, उपनिरीक्षक अभिसूचना के 43 पद हैं, गुलम नायक के जो कि PSC IRB के हैं 89 पद रखे गए हैं, अग्निशमन अधिकारी के 24 पद रखे गए हैं। इसके लिए 8 जनवरी 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रखी गई है 21 फरवरी 2022। जुलाई 2022 में पेपर होने की संभावना बताई गई है यहाँ पे। और जो जो टोटल पद हैं, जिसमें कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की 65 टोटल पद हैं, जिसमें कि एक पोस्ट भूतपूर्व सैनिक सामान्य जाति के लिए रखा हुआ है। उपनिरीक्षक अभिसूचना के 43 पद हैं, जिसमें कि एक पद रखा गया भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो कि सामान्य जाति से रिलेटेड है। पेमेंट जो दी जाएगी यहाँ पे 44,900 रुपये से 142,400 रुपये। लेवल 7 की तनख्वाह है। 21 से 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके लिए जो भी भूतपूर्व सैनिक 12th पास हैं, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी 12th पास हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकियों के लिए यहाँ पे विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए, लेकिन भूतपूर्व सैनिक 12th पास हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऊंचाई क्या रखी गई है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सामान्य जाति के लिए 167.70 रखा गया है। उसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 160, पर्वतीय क्षेत्र की अभ्यर्थियों के लिए 162.60। और बाकी यहाँ पे सेना जो रखा गया है, सामान्य जाति के लिए 78.8 और अनुसूचित जाति के लिए 76.6 रखा गया है। नोटिफिकेशन लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे उसका भी डिटेल यहाँ पे रखा गया है। जो फिजिकल होगा दोस्तों, फिजिकल जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसमें क्रिकेट बॉल थ्रू होगा 50 मीटर का, लंबी कूद होगी 13 फीट, चिनिंग अप 5 बार होगा, दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में कंप्लीट करना होगा, दंड बैठक होंगे 2 मिनट 30 सेकंड में 40 और 60 सेकंड में 50 बैठक कंप्लीट करने होंगे। बाकी महिलाओं का भी यहाँ पे दिया गया है। जो पेपर होगा सौंकों का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी। इसमें मैथ्स और रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ इसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, उत्तराखंड की जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है गुलम नायक, जो कि PSC या फिर IRB में होता है। टोटल यहाँ पे 89 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि दो पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं, जो कि सामान्य जाति से रिलेटेड हैं। उनके लिए भी पेमेंट सेम रखी गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 44,900 रुपये से 142,400 रुपये रखा गया है। 21 से 28 साल, और इसके लिए भी भूतपूर्व सैनिक जो भी 12th पास हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिजिकल मेजरमेंट दिया गया है यहाँ पे, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। और जो शारीरिक दक्षता है उसका भी सेम रखा गया है, जो पहले वाले में मैंने बताया। नेक्स्ट जो पोस्ट है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की, इसके लिए भी टोटल 24 पद हैं। हालांकि इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पद नहीं रखे गए हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। बाकी निगेटिव मार्किंग रखी गई है, 0.25 मार्क कट जाएगा यदि आपका क्वेश्चन एक गलत होगा तो। ओमार सीट पे पेपर होगा ओमार पे, और यदि हो सकता है कि ऑनलाइन भी हो सकता है, इसके बारे में आयोग ने लिखा हुआ है कि यदि ऑनलाइन होगा तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पे छूट दी जाएगी 3 साल की, जो कि आर्मी में सर्विस की है, प्लस 3 साल की छूट। जितने आदमी आप आर्मी में सर्विस की है उसमें 3 साल जोड़ के टोटल एज से घटाने पर आपकी एज जो यहाँ पे मैक्सिमम एज दी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप लोग इस पर चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, भारत का नागरिक पूरे देश से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको दिया जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है, जिसमें कि टोटल जो मैंने पोस्ट बताए वही निकल के आ रहे हैं। आज के इतना ही, जय हिंद।